जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर जब खीरा उगाया जाता है तो उसमें कुछ खास प्रजातियां लगाया जाता है। ये इस किस्म की प्रजातियों को हम लोग पार्थेनोकार्पिक क्यूकम्बर और फ्रेंच क्यूकम्बर और कभी कभी चाइनीज क्यूकम्बर या तो ब्रिटिश और इंग्लिश क्यूकम्बर के नाम में भी जाना जाता है। ये जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए जो खीरा है, ये नॉर्मल जो क्यूकम्बर है और नॉर्मल खीरा से काफ़ी अलग आता है जो बाहर वो लगाया जाता है। इसमें एक तो बीज नहीं बनता है, उसके अलावा इसका हर एक गांठ में एक एक करके फ्रूट होता है और कभी कभी एक एक गांठ में एक से अधिक भी फ्रूट लगता है। इसलिए इस किस्म की जो प्रजातियाँ होता है, इसका यील्ड काफ़ी ज़्यादा होता है। 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर हम लोग बोले तो अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर ये 12 से 15 क्विंटल तक खीरा फसल मिलता है, या कि एक एक पौधे में 3 से 5 किलो के बीच में खीरा मिलता है। पूसा संस्थान में पार्थेनोकार्पिक क्यूकम्बर का, पार्थेनोकार्पिक खीरा का कुछ प्रजातियाँ विकसित किया गया है। उसमें से एक प्रजातियाँ है पूसा पार्थेनोकार्पिक क्यूकम्बर 6, जो काफ़ी अच्छा है और किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसका जब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, ये साल में 3 बार किया जाता है। अगर आपके पास कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर जैसे कि नेट हाउस या पॉली हाउस है, नॉर्थ इंडियन कंडीशन में जनरली ये 2 बार नेट हाउस में होता है, स्प्रिंग समर में या तो फेब्रुआरी से मई के बीच में, और खरीफ सीजन में जैसे जुलाई और नवम्बर के बीच में। और जब हम इसको सर्दी के टाइम करेंगे, नवंबर टू फरवरी के बीच में, तब ये जनरली पॉली हाउस में लगाया जाता है। लेकिन जब हम लोग दक्षिण भारत या साउथ इंडिया में करेंगे, जहाँ माइल्ड क्लाइमेट अवेलेबल है, उस टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन में ये साल में 3 बार नेट हाउस के अंदर किया जा सकता है। जो हमारा पूसा पार्थेनोकार्पिक क्यूकम्बर 6 जो पूसा संस्थान में विकसित किया गया है, इसका बीज आप हमारे संस्थान में उपलब्ध है, और इसका जो बीज का प्राइस है, हर एक बीज का प्राइस है 4 रुपये। जो मार्केट में अवेलेबल बाकी जो प्रजातियां है पार्थेनोकार्पिक क्यूकम्बर का, उससे काफ़ी कम है। तो आज आपके साथ ऐसे ही हमारे एक प्रगतिशील किसान शांतराम जी, जो पानीपत के हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के पानीपत जिला में रहने वाले, अपना उपलब्धि बताएंगे जो हमारा पूसा पार्थेनोकार्पिक क्यूकम्बर 6 का खेती प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में किए थे। नमस्ते जी, मेरा नाम संतराम आर्य है। मैं पानीपत जिले के जलवाड़ा गांव का रहने वाला हूं। मैंने ये एक नेट हाउस लगाया है, क्योंकि परंपरागत खेती में उस प्रकार से उतनी बचत नहीं होती थी, तो मैंने ये शुरुआत की है पिछले वर्ष से। तो मैं पूसा इंस्टीट्यूट पहले भी जाता रहा, और अब की बार मैं गया तो वहां पे मुझे पूसा 6 बीज मिले। देखो, ये पौधे बड़े विकसित हैं, सारे अच्छे हैं। ये पूसा 6 है और फल इसके ये है, देखिए अच्छी यील्ड आ रही है। यहाँ से मैंने तोड़े हैं सारे, ये दिखाई दे रहे हैं, बड़ा अच्छा है सारा। मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि जब पूसा जैसा इंस्टीट्यूट अपना देश में और किसानों के हित के लिए लगातार लगा हुआ है, और वहाँ का बीज भी सस्ता है, अच्छा फल आता है, हरा है बिल्कुल, और बीमारी बहुत कम आती है, पौधा मजबूत है, गांठे नज़दीक नज़दीक है, क्योंकि फल गांठों में ही लगते हैं एक एक करके ऐसे। ये मैं किसानों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि ये ट्रायल किया जा सकता है और ये आपको अच्छा मुनाफा देगा।